आयुर्वेद में जड़ी बूटियों के प्रयोग या तरह तरह के नुस्खे, इनका प्रयोग करना तो बहुत लोग सिखा देते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग बताते हैं कि आयुर्वेद की औषधियों को तोड़ने का भी एक समय होता है, एक सीजन होता है। यानी कि अगर हालांकि वैसे तो बहुत हजारों जड़ी बूटियां हैं, इतना आप हर किसी के जो कंडीशंस हैं, जो ग्रंथों में बताई गई हैं, उस हर कंडीशन को आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कुछ बातों को तो पूरा करना ही चाहिए अगर हो सके तो। आप चाहे तो महर्षि सुश्रुत को पढ़ सकते हैं, राज निघंटु ग्रंथ पढ़ सकते हैं, या फिर शारंग संहिता होती है एक, उसमें भी इस चीज पे बात की गई है कि कौन सी औषधि को कब तोड़ना है, कब नहीं तोड़ना है, उससे उसकी क्वालिटीज में फर्क पड़ता है। यानी एक तुलसी है, वो सुबह के समय तोड़ी गई है, एक तुलसी है वो रात के समय तोड़ी गई है या सूर्यास्त के बाद तोड़ी गई है। देखने में दोनों के बाहर से आपको लगेगा ये तुलसी है, वो भी तुलसी है, लेकिन उसके अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में होंगे, दूसरी में जो फॉर्म होंगी चीजें वो एक्टिव नहीं होंगी, इतनी ज्यादा उसमें रस नहीं होगा, रस यानी जूस नहीं, रस यानी उसमें जो एक वीर्य है, औषधि की पोटेंसी है, वो इतनी जबरदस्त नहीं होगी। ये नेचर कह लो या इसको कुछ भी कह लो, जैसे गाय है, गाय का हर वक्त दूध नहीं देती गाय, कोई पर्टिकुलर समय होता है गाय दूध देती है, बाद में वो अपने स्तनों में दूध छुपा के रख लेती है, हर वक्त दूध नहीं देती गाय। बकरी का दूध कभी भी निकाल लो, लेकिन गाय का हर वक्त निकलता, उदाहरण देके समझा रहा था। इसी तरह कई जड़ी बूटियां, कई पेड़ पौधे ऐसे हैं, जैसे आप बड़ का पेड़ ले लो, पीपल का पेड़ ले लो, इनको तोड़ोगे इनमें से दूध निकलता है, लेकिन आप भरी दोपहरी में इसको तोड़ोगे इसमें से दूध नहीं निकलेगा, इसका दूध, इसके पत्ते को तोड़ के हम इसमें से जो दूध निकलता है उससे कई तरह की बीमारियां ठीक होती हैं। हम उस दूध को पुरुषों को ताकत के लिए देते हैं, बड़ के दूध को, लेकिन वो सूर्योदय से पहले निकलता है, यानी इसका मतलब उसका वो टाइम वो है। इसी तरह टाइम भी है हर औषधि का, हर चीज का सीजन भी है। बहुत ज्यादा डीपली मैं बातें नहीं करूंगा, क्योंकि फिर वो इतना हर चीज को हर व्यक्ति के लिए पॉसिबल ही नहीं है पूरा कर पाना, लेकिन छोटा छोटा अगर आप समझ लेंगे हल्का हल्का तो भी आपको बहुत फायदा हो जाएगा। वो ये कि आप गर्मियों में ज्यादातर पत्तों का, जैसे आपने कोई औषधि प्रयोग करनी है तब तो आप किसी भी सीजन में उसको जहां जैसे भी अवेलेबल है तोड़ के प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई औषधि ऐसी लेनी है जो स्टोर करनी है, स्टोर करने के लिए औषधियों के लिए नियम बताए गए हैं इन ग्रंथों में कि जो अगर आपने पत्ते कोई स्टोर करने हैं, सुखा के रखने हैं पत्ते, तो आप उनको गर्मी में सुखाएं, ऐसा आयुर्वेद की जो ग्रंथों का कहना है। अगर आपने फूलों को लेकर के सुखा के रखना है तो बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन जिसको बोल देते हैं, उस सीजन में, गर्मी ना सर्दी उस तरह के सीजन में फूलों को लेके सुखाएं, ये सारा नियम दिया गया है उसमें। फिर अगर आपने कोई ऐसे फूल के अलावा फल या कंदमूल कह लो, रूट्स कोई लेनी है, जैसे अश्वगंधा हो गया, शतावर हो गया, ऐसी कोई और रूट्स वाली जड़ी बूटियां लेनी है, उनको सुखा के रखना है, तो उसके लिए विंटर्स का टाइम बताया गया। तो ये सारा एक पैटर्न है, वो इसलिए भी क्योंकि गर्मियों में पत्ते बहुत ज्यादा जल्दी सूख भी जाते हैं, उनको उल्ली वगैरह फंगस वगैरह आने का डर नहीं रहता, और पत्ते भरमार मात्रा में होते हैं गर्मियों में ज्यादातर, क्योंकि छायादार पेड़ ज्यादातर गर्मियों में भर जाते हैं पत्तों से, तो उस वक्त पत्ते मिलते भी ज्यादा, सर्दियों में धूप आनी होती है जमीन तक, इसलिए पेड़ों के पत्ते झड़ भी जाते हैं। तो इसलिए भी ये उन्होंने उसके साथ भी थोड़ा रिलेट करके ऋषियों ने बताया, थोड़ा उनकी अपनी समझ जो उन्होंने इस चीज को बताया मैं अब तक कन्वे कर रहा हूँ। बहुत डिटेल में मैं नहीं जा सकता, ना ही इतने जाने की हर किसी को जरूरत होती है, लेकिन फिर भी कुछ औषधियों के वक्त हैं, समय है, टाइम है कि इस टाइम पे इस औषधि को अगर तोड़ा जाए तो ये इतने गुना असर करेगी। ये आप सारी बातें, आप, मैं तो इतना डिटेल में ना, मुझे अभी इतना बहुत गहराई में काम करना पड़ता है इस पे, तब जाके व्यक्ति एक एक औषधि, क्योंकि हजारों जड़ी बूटियां हैं, आप कहना और करने में बड़ा फर्क है। और फिर भी अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो कि हाँ मैं भी जानना चाहता हूँ कि किस की औषधि को कब कब तोड़ा जाए, तो आप ये जिन तीन ग्रंथों की मैंने बात की थी इनमें आप जाकर के देख सकते हैं, आपको बड़े आराम से इसका वर्णन मिलेगा। क्योंकि हमारे को पुराने बुजुर्ग मना करते थे कि रात को पौधों को हाथ नहीं लगाना, सोए होते हैं, हम समझते हैं कि पता नहीं क्या सोते हैं क्या करते हैं, ये क्यों मना करते हैं हमें, पीछे मकसद यही होता है कि आपने शाम के समय जड़ी बूटियां आदि तोड़ के प्रयोग करी तो वो इतना काम नहीं करेंगी। हालांकि कुछ जड़ी बूटियां रात को तोड़नी होती हैं, कुछ के फूल ही रात को आते हैं,
होती हैं, हर तरह की औषधियां हैं इसमें, दुनिया में बहुत भरमार है, उसका कोई अंत नहीं है परमात्मा की बनाई इन चीजों का। पर फिर भी जैसे कोई फल है, फल को कच्चा ना तोड़ के प्रयोग करें, कच्चे फल यानी खुद एक तो होता ना कच्चे फल तोड़ तोड़ के प्रयोग करना, बेशक उनके फायदे हैं, लेकिन एक आंवला है, मैंने पहले भी एक बार चर्चा की थी, एक आंवला है वो आपने पेड़ से तोड़ के प्रयोग किया और एक आंवला है अपने आप गिरा, दोनों की तासीर में बहुत फर्क होगा, दोनों की गुणवत्ता में बहुत फर्क होगा। बेशक आप और हम लोगों की लिए पॉसिबल नहीं है कि हम खुद जाएं अपना सामान जंगलों में चुनने के लिए, ये सिर्फ उनको मैं ये जानकारियां दे रहा हूं जिनको शौक है आयुर्वेद को गहराई से समझने का, यानी हम आयुर्वेद को सिर्फ अपने ही छोटे से दायरे में देखते हैं, हमारा दायरा जितना होता है हम उतना ही समझते हैं, लेकिन आयुर्वेद समुद्र है। मैंने भी आज तक इस समुद्र की एक बूंद को ही सिर्फ अपनी जुबान पे रखा है, इतना ये बड़ा समुद्र है, इसमें आप खुद डूब सकते हो, इसको अपने अंदर तो समा पाना ये नामुमकिन है। तो ये चीजें छोटी छोटी थी कि आयुर्वेद की औषधियों को किस सीजन में तोड़ना, किस सीजन में इसको नहीं तोड़ना, किस दिन के किस वक्त तोड़ा जाए औषधियों को, किस वक्त ना तोड़ा जाए। बेसिकली तो छोटा सा यही नियम है कि सुबह तोड़ा जाए ज्यादातर, और कई औषधियों को धूप निकलने के बाद तोड़ा जाता है, तो इसी तरह कुछ औषधियों को रात के वक्त तोड़ा जाता है जिनके रात को फूल निकलते हैं। तो फिर भी अगर आपको डिटेल में जानना हो तो आप शारंग संहिता और सुश्रुत संहिता और साथ में आप राज निघंटु, ये तीन ग्रंथ हैं, इनको आप पढ़िए आराम से। मैं आने वाले समय में ग्रंथों के बारे में भी बताऊंगा डिटेल में, कौन कौन से ग्रंथ आपको पढ़ने चाहिए आयुर्वेद की नॉलेज रखने वालों को। और अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपने औषधियां तोड़कर सुखा के रखनी है अगर, तो उसके लिए कौन कौन से नॉर्म्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, क्या उसका नियम है। तो आयुर्वेद के ऊपर मैं चर्चा करता रही रहूंगा इस चैनल में, नित्यानंदम आयुर्वेदा इस चैनल का नाम है, आप इससे बने रहिए। आज फिलहाल इतना ही, नमस्कारम।